बैजनाथ पपरोला नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 गणखेतर में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आधा दर्जन घायल लोगों में से 5 लोगों को उपमंडलीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपसी मामले के मारपीट में हरनाम दास ने कहा कि उनकी निजी जमीन पर दूसरे पक्ष ने धनीराम ने पत्थर फेंक दिए और पत्थर फेंकने का विरोध करने पर वह बहसबाजी के बाद धनीराम, ज्योति प्रकाश, मुकेश व माया देवी ने उन पर डंडे व दराड़ से हमला किया। घटना में हरनाम दास, उनके भाई व माता सलेशा देवी के सिर व मुंह में चोटें आई हैं और तीनों अस्पताल में उपचाराधीन हैं। और आज मौके वारदात पर जिस खसरा नंबर पर लड़ाई हुई है उस पर पहले से ही मेरा ही कब्जा है। ऑलरेडी मैंने तकसीम अपना रजिस्ट्री करवा करके उसमें कब्जा किया हुआ है। आज जब लड़ाई हुई तो मौके पर ये धनीराम और उसका सारा परिवार और उसके रिश्तेदार उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब हमने उसको ऐसा करने से रोका और मैंने बोला कि जो कोर्ट की जो प्रोसीजर है उसको आने के बाद जो भी फैसला होगा कोर्ट के द्वारा हम सब दोनों पार्टी को मान्य होगा, लेकिन ये नहीं माना धनीराम और उसके रिश्ते घर वाले लोग नहीं माने और लाठियां, डंडे, हथियार लेकर के हमारे ऊपर इन्होंने औजारों से हमला कर दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार जो है घायल हो गया बुरी तरह से। धनीराम ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि जमीन मेरी है और वह अपनी जमीन में पत्थर फेंक रहे थे। धनीराम का कहना है कि हरनाम दास ने उसको बेवजह पत्थर फेंकने से मना कर दिया। इस पक्ष में 3 लोग, धनीराम, बेटा मुकेश कुमार व पत्नी माया देवी घायल हो गए हैं। मैं धनीराम, दूसरी पार्टी जो हरनाम दास और उनका पूरा परिवार, वो मतलब जो मेरी जमीन है उस पर वो कुछ बाढ़ लगा रहे थे, उन्होंने लगाई कब्जा, मैंने उनको बोला तो उन्होंने मेरे को हमारे ऊपर अटैक कर दिया और जो अखिल कुमार है उसने दराट से मेरे लड़के को काट दिया और उसके मतलब 10 टांके लग गए सर पर। तो ये हमारा जो है भूमिका विवाद है और ये बोलते हरनाम दास बोलते हैं कि तेरे को यहाँ पर जमीन देनी नहीं मैंने। हालांकि ये केस मतलब तकसीम का केस चला हुआ है, परिवार के पास पहुँच गई है फाइल, फिर भी ये ज़बरदस्ती करते बोलते यहाँ पर बिल्कुल ज़मीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ज़मीन जो मैंने 2005 में खरीदी है और इस कुछ हिस्सा उसका बच गया था वो इसने 2007 में खरीदा है। तो जब मैंने इसको बोला भाई जो बनता है जितना जितना हिस्सा उतना उतना ले लेंगे, जो तेरा बनता वो तुझे वो और मेरा बनता वो मैं ले लूँगा, तो ये बोलता है कि मैंने तुझे यहाँ देना नहीं, तेरा है ही कुछ नहीं। मतलब वहाँ पर 10 मरले ज़मीन है, 10 मरले में 5 मरले जो है वो मेरा हिस्सा बनता है, तो उसी विभाग पर ये 5 मरले ज़मीन जो वो मुझे नहीं देना चाहता।